हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 31 आईडी सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। कल बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस या अचीवमेंट्स बेटा हमने पढ़ लिए थे। मेरी तरफ देखना, मैं एक मिनट रिवाइज करा दूँ। सामने देखना बेटा, बाबू 1950 टू 1990 अगर आपको याद हो बाबू, शुरू बिल्कुल शुरू में 1950 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 13% था और इन 40 साल के बाद वही 24.6% हो चुका था। ये पहला अचीवमेंट था। दूसरा अचीवमेंट था बेटा इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ पर एनम 6% थी बेटा। और बाबू तीसरा था डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, सनराइज इंडस्ट्री जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं और ऑटोमोबाइल, ये बेटा इमर्ज हुई थी इंडिया में। चलो जी बेटा, अब यकीन मानना इसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस आने वाली हैं। ढंग से आप पढ़ोगे एनालिसिस आपका होगा, हर्षित बताएगा सारांश और शोएब डिसएडवांटेजेस क्या क्या आई, ठीक है जी। चलो, इन स्पाइट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकॉनमी, सम इकोनमिस्ट आर क्रिटिकल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इट वॉज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर that initially public sector was required a big way. It is now widely held that state enterprise continue to produce certain goods and services although this was no longer required. An example is the provisioning of telecommunication services. This industry continued to be reserved for the public sector even after it was realized that public sector firm could also provide it. Due to the absence of competition, even till the late 90s, one had to wait for a long time to get a telephone connection. Another instance could be the establishment of Modern Bread, a bread manufacturing firm, as if the private sector could not manufacture bread. In 2001, this firm was sold to the private sector. Beta, abhi tak ki kahani samjho. Meri taraf dekhna. Beta, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में दो बातें आती हैं, एक तो बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरा बेटा प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। इनडायरेक्टली बेटा जब आप अपनी डोमेस्टिक फर्म को बेटा प्रोटेक्शन देते हो ना, इनडायरेक्टली आप उनकी ना मोनोपोली एस्टैब्लिश कर रहे हो। अब बेटा 40 साल में पब्लिक सेक्टर ने लीड रोल लिया, यानी कि बेटा गवर्नमेंट सेक्टर ने, गवर्नमेंट ही टेलीफोन कनेक्शन प्रोवाइड करती थी BSNL और MTNL, उस टाइम पर लैंडलाइन चलते थे बेटा, ठीक है ना। आप ये समझ के चलो 40 साल तक कोई प्राइवेट सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में एंटर नहीं हो सकता था। इनडायरेक्टली इट इज द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, और मोनोपोली होना गवर्नमेंट का क्या दुख देता था बेटा, अगर एक टेलीफोन कनेक्शन लेना हो ना, यू हैव टू वेट ईयर्स एंड ईयर्स। आज लिखवाओगे मुझे अपने घर पे लैंडलाइन फोन लगवाना है, एक साल, डेढ़ साल, दो साल में नंबर आएगा बेटा। और ये तो खैर मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर गलती से बेटा आपके लैंडलाइन फोन की वायर टूट जाती थी ना बेटा, एक कंप्लेन करके आओ, यू हैव टू वेट मंथ्स। दो महीने बाद ऑफिशियल आ रहा है, ढाई महीने बाद आ रहा है बेटा एक बार वायर टूट जाने पर। तो बेटा ये होता है जब आप मोनोपोली एस्टैब्लिश कर देते हो, कोई काम करके राजी नहीं होता। और आज की तारीख में एक टेलीफोन कनेक्शन लेना, मैं समझता हूँ रिपीटेड मैसेज आते होंगे रोज। अगर आप जियो की सिम यूज़र हो तो बेटा एयरटेल के हो तो जियो के, वी के कहते रहते होंगे ना, ले लो फ्री टेलीफोन कनेक्शन ले लो, 100-150 बल्कि दे दे को तैयार बैठे रहते हैं आपको। तो हाल सोच लो बेटा कंपटीशन से क्या होता है, और नहीं होता कंपटीशन तो क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात आई इसमें बेटा एक ब्रेड की, मतलब एक आपको एक बात बताता हूँ बेटा, जो एरा था ना वो 40 ईयर्स का, 1950 टू 1990, वो एरा को ना ऐसा बोला जाता है एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। मतलब एरा का नाम ही ऐसा रखा हुआ है लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी बनाना हो कैसे भी बनाना हो गवर्नमेंट कहती थी हम बनाएंगे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू पब्लिक सेक्टर। मतलब वन फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड प्रोड्यूसिंग द शूज एंड ब्रेड। गवर्नमेंट ब्रेड प्रोड्यूस करती थी, फर्म का नाम होता था मॉडर्न ब्रेड 2001 तक, और कोई काम नहीं लगा आपको। ये थे बेटा हालात हमारे देश के, मतलब वो बोल रहा था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बेटा इसको क्रिटिसाइज किया है कि
कि मतलब अगर आपको लग गया 1970 में कि पब्लिक सेक्टर ब्रेड प्रोड्यूस कर सकता है, आप छोड़ दो। पब्लिक सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दे सकता है, आप छोड़ दो। आपके पास तो और बड़े जरूरी काम है, देश की सिक्योरिटी संभालो ना, डिफेंस को देखो ना, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करो ना अच्छे से। और आप क्या कर रहे हो बेटा, 2001 तक ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे हो, समझ सकते हो आप बेटा क्या हालात थे। चलो जी आगे बढ़ना बाबू। ये बोलता है 2001 में इसको प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया, इस मॉडर्न ब्रेड कंपनी के नाम को। द पॉइंट इज दैट आफ्टर 4 decades ऑफ प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन द वट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड वट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू। फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस, एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल वेल, येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रनस होटल। बाबू कहता है 40 साल 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाई कि पब्लिक सेक्टर को क्या काम करना चाहिए और प्राइवेट को क्या काम करना चाहिए। आज भी तो सोच रहे हो ना बेटा कि पब्लिक सेक्टर डिफेंस अकेला संभालता है, सरकारी तो संभालती है, डिफेंस तो किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया। और बेटा आज प्राइवेट सेक्टर ही तो अकेला होटल संभालता है, उस टाइम डिसाइड कर लेते हैं ना, मतलब उस टाइम के होटल भी गवर्नमेंट रन कर रही थी, कोई डिसीजन ही नहीं लिया कि ये काम पब्लिक सेक्टर का ये प्राइवेट का है, गवर्नमेंट हर चीज कर रही है खुद से हर चीज। चलो जी कहते हैं दिस हैज लेड सम स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट स्टेट शुड गेट आउट ऑफ एरियाज विच द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज एंड गवर्नमेंट कैन कंसंट्रेट इट्स रिसोर्सेज ऑन द इंपॉर्टेंट सर्विसेज विच द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड। बेटा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट करा अगर कोई काम प्राइवेट सेक्टर करता कर सकता है तो उसको करने दो, आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट एरिया हैं, जितने रिसोर्सेज हैं आप उसको उसमें यूज करो। चलो जी, मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म इंकर्ड ह्यूज लॉसेस बट कंटिन्यू टू फंक्शन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ इट इज अ ड्रेन ऑफ नेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज। दिस डज नॉट मीन दैट प्राइवेट फर्म आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर फर्म वर ओरिजिनली प्राइवेट फर्म्स विच वर ऑन द वर्ज ऑफ द क्लोजर ड्यू टू द लॉसेस, दे वर देन नेशनलाइज्ड टू प्रोटेक्ट द जॉब ऑफ द वर्कर। हाउ एवर अ लॉस मेकिंग प्राइवेट फर्म विल नॉट वेस्ट रिसोर्सेज बाय बींग कैप्ट रनिंग डिस्पाइट द लॉसेस। बेटा बड़े काम की बात है इस पैराग्राफ में, देखो बेटा ये अगेन एक लिमिटेशन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की। मैं आपको बोलता हूँ आप एक प्राइवेट सेक्टर रन करते हो, 2 साल से लॉसेस आ रहे हैं बेटा, तीसरे साल ना आप चुपचाप उसको शट डाउन कर दोगे, ऑपरेशन चलाओगे नहीं। गवर्नमेंट के लिए मजबूरी सोचो, पब्लिक सेक्टर में लॉस है, 2 साल हो गए 3 साल हो गए, गवर्नमेंट बंद करना चाहती है। पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता था, ट्रेड यूनियंस का प्रेशर इतना होता था कि एक अनवायबल यूनिट, अन इकोनॉमिक यूनिट जो एक रुपया नहीं दे रही आपको, लॉस दे रही है आपको, 10-10 साल चलानी पड़ती थी। पॉलिटिकल प्रेशर कि बंद कैसे कर दोगे, आपकी फैक्ट्री में तो 10,000 वर्कर काम करते हैं, ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। जबरदस्ती आपसे फर्म की फर्म चलवाई गई बेटा, अन इकोनॉमिक फर्म चलाई गई, ठीक है ना बेटा। ये था पॉलिटिकल प्रेशर, ये एक और लिमिटेशन है। जितनी पढ़ रहे हो उतनी लिखवाऊंगा, ढंग से पढ़ लो इसको। चलो जी, द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिस यूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल हाउसेस। A big industries would get a license not for starting a new firm but to prevent competitor from starting new firm. The excessive regulation of what come to be called the permit license raj prevented certain firm from becoming more efficient. More time was spent by the industries in trying to obtain a license or lobby with the concerned ministries rather than on thinking about how to improve their product. Aur babu dekho ek baat suno, आपको याद होगा IPR 1956 में हमने सेकंड हेडिंग लिखी थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपको नई इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, बैकवर्ड एरिया में लगाओगे तो लाइसेंस अभी अप्रूव लो, और बेटा कहीं और लगाओगे तो हम लाइसेंस अप्रूव करते नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके लिए भी लाइसेंस लो, याद है यही दो बातें लिखवाइए। आप खुद सोचो बेटा, कहता है बिग इंडस्ट्रीज ने ना इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा तो उठाया क्या, अपने आप ही उठता चला गया। बिग इंडस्ट्रीज को खुद को तो परमिशन जल्दी मिल जाती थी, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, लेकिन उनको कभी कंपटीशन झेलना ही नहीं पड़ा। जो लोअर लोग अप्लाई करते थे बेटा, उनके लाइसेंस पास ही नहीं होते थे, बैठे रहो सालों साल। काम कौन करता था, किस डिपार्टमेंट में होता था, आपको भी पता है मुझे भी पता है। सालों साल फाइलें दबी की दबी हैं,
लाइसेंस के लिए फाइल आई कि बेटा 507 साल से पहले नहीं उठ के आने वाली टेबल पे। बिग इंडस्ट्रीज को कोई कंपटीशन ही नहीं झेलना पड़ रहा, वो लगे हुए हैं बेटा प्रोडक्शन में। चलो जी, कहता था प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन इज आल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट प्रूव टू बी मोर हार्म देन गुड ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट द इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वट एवर द इंडियन प्रोडक्ट प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर्स वर अवेयर दैट दे हैड अ कैप्टिव मार्केट सो दैट नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स वाई शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी when they could sell low quality item at a higher price competition from import forces our producer to be more efficient sir ye baat main kal bhi bol chuka hu economist ne is baat ko aur criticize kara ki aap foreign competition bhi nahi karne de rahe ho aapne kya kara import substitution import hi band kar rakha hai isse hoga kya beta indian consumer ke halaat socho kya honge babu hame kya mil raha hai low quality product at a higher price क्योंकि बेटा इंडियन प्रोड्यूसर्स को कोई डर ही नहीं था कंपटीशन का, तो वो अच्छा क्यों बनाए, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए क्यों बेटा। कल मैंने एक बात बोली थी बेटा, दो ही कार रही है इंडिया में कितने साल, एम्बेसडर और फिएट। ये होता है बेटा जब आप कंपटीशन नहीं करने देते। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन मीन्स लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ अपडेशन। कोई अपडेशन करेगा ही क्यों जब उसे डर ही नहीं है बेटा कि मैं कहीं जा सकती हूं कंपनी, ठीक है ना बेटा। चलो जी, कहता है अ फ्यू इकोनॉमिस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन द पब्लिक सेक्टर फर्म ऑन दिस व्यू शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट दे अर्न रिगार्डिंग प्रोटेक्शन सम इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट वी शुड प्रोटेक्ट आर प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन As long as the rich nation continue to do so, owing to all these conflict, economists call for a change in our policy. This, along with other problem, led to the government to introduce a new economic policy in 1991. वो बेटा हम next chapter में पढ़ने वाले हैं new economics policy 1991 की क्या थी। अब एक बात बोलता हूँ, last paragraph में इसने एक बात बोली बेटा, कहता है कुछ economists ने ना इंडियन गवर्नमेंट का फेवर करा कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, कॉन्टिन्यूसली करते रहो, तब तक करते रहो जब तक रिच कंट्री अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दे रही है। देखो बेटा, रिच इंडस्ट्रीज, रिच कंट्रीज भी बेटा अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देती थी, कैसे, बाय गिविंग सब्सिडीज। देखो ये मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये ऑल दो ये भी बात एक 11th क्लास में आती है। कल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, इंडिया में मान लो वीट हुई 3 रुपी पर केजी, ठीक है, इंडिया में वीट बिक रही है 3 रुपी पर केजी, और मैं बोलता हूँ यूएसए ने बेटा प्रोड्यूस किया 4 रुपी पर केजी। बेटा इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, और आपको पता है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बेटा रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और यह प्रॉब्लम ही है तभी आप डेवलप्ड हो। इंडिया में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बेटा, सबसे बड़ी बड़ी दो प्रॉब्लम है बेटा जिसको आज तक इंडियन गवर्नमेंट 40-50 साल के इतिहास में ख़त्म नहीं कर पाई, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। जिस दिन ये दोनों खत्म होगी इंडिया वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे इंडिया कभी डेवलप्ड नहीं हो सकता। सर यहाँ ऐसी समस्याएं यहाँ पर नहीं थी, ठीक है ना। अगर आप 4 रुपये किलो प्रोड्यूस कर रहे हो तो यूएसए क्या करता था, अपने इंडस्ट्रीज को बोलता था मैं दे रहा हूँ 2 रुपये की सब्सिडी आपको पर केजी, इंडिया में बेचो 2 रुपये किलो। समझ आया क्या किया जा रहा है? तो ये कहते थे इकोनॉमिस्ट, कहते थे इंडिया आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इंपोर्ट ही बंद रखो, बेचने ही ना दो इनको। ये अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को तो आप भी दो। समझ आई ना बेटा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो किसी एक्सटेंट तक कुछ देखो सारे आपके फेवर में होंगे, हो नहीं सकता, कुछ इकोनॉमिस्ट आपके साथ खड़े थे, कुछ आपके खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि कमियां भी बहुत थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हमने 3 फायदे लिख दिए, अब फेलियर्स लिखें, क्या कमी रह गई लिखना बेटा, फेलियर्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटर्जी, फेलियर्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटर्जी। पहली हेडिंग लिखना, मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं, फेलियर्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटर्जी। पहली हेडिंग लिखना ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट
public monopolies. Growth of inefficient public monopolies. Beta, first bullet tekna. Lack of competition promotes the growth of public monopolies. Second bullet. Till 1990, telecommunication was Indian government's monopoly. And we have to wait, years and years, just to get a telephone connection. Third bullet likhna beta. But now we got repeated SMS to get a telephone connection. Free of cost. Second heading likhna beta. Lack of competition means lack of modernization. First bullet likhna beta. Old user of the car were still remember that ambassador and Fiat were the only cars available in the market. Second bullet likhna beta. Does not prompted domestic producer to upgrade or modernize their product. Third heading likhna beta. Indiscriminate spread of PSU. Indiscrimination. Dekho beta, baat sunna meri taraf. Discrimination hota hai bhedbhav karna, partiality karna. बाबू मैंने हेडिंग लिख रवाई इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पीएसयू. सरकार कोई भेदभाव ही नहीं कर रही थी कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो. सब हम बनाएंगे जी, शूज भी हम बना लेंगे, ब्रेड भी हम बना लेंगे, सब हम बना लेंगे.
indiscriminate spread of PSU. लिखना बेटा, the era of 1950 to 1990 was the era of producing anything and everything through PSU. Anything and everything through PSU. Next bullet. Although economic growth during these 40 years was commendable, but one fails to understand the logic of producing bread and shoes. Next heading, fourth heading, economic unviable unit, UNVIABLE, economic unviable unit, अभी heading ही चल रही है, economic unviable unit, hyphen करके लिखना बेटा, a political compulsion, compulsion. लो जी, फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा, एनी प्राइवेट सेक्टर इफ बियर लॉसेस would shut down, but in case of public sector, you have to bear losses and start operating economic unviable unit. Economic unviable unit due to the political compulsion. and pressure from trade unions. बेटा चैप्टर फिनिश हो चुका है, एक बार आप पहले आराम से ये चार फेलियर लिख दो, पढ़ लो मतलब एक बार, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रीड करके बताओ जल्दी से. आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय.